बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। तो आज मैं बनाने लगी हूँ आलू और कोड़े की सब्ज़ी। आइए इसको काटते हैं और फिर प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो मैंने ये पम्पकिन को काट लिया है। अब मैं आलू को काटती हूँ। तो मैंने आलू को भी काट लिया। इसको मैं 2-3 पानी से धो लेती हूँ। तो ये इसमें मैंने ये न्यूट्रेला डाल दिया है, सोयाबीन। अभी पानी ठंडा है, इसमें ये मैंने डाल दिया है। और ये न्यूट्रेला है, सोयाबीन होती है ना, वो सोयाबीन है, उसकी सब्जी है, सब्जी बनेगी। तो मैं इसके मसाले को चॉपर कर लेती हूँ। ये है प्याज और ये है अदरक और ये है मिर्ची। मिर्ची मैंने अपने हिसाब से लिया, इसको मैं चॉपर में थोड़ा सा चॉपराइज करके करती हूँ। तो ये सोयाबीन में उबाल आ गया है, ये अच्छे से बॉयल हो गई। देख लें, ये अच्छे से बॉयल हो गई है। इसको मैं उतार लेती हूँ। तो मैंने कढ़ाई को रख दिया है। मैं डालती हूँ इसके अंदर तेल, सरसों का तेल है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। तो जी, इसके तड़के का सामान है, ये है कड़ी पत्ता, एक सूखी, एक ये हरी मिर्ची और ये पचफोड़न होता है ना, इसमें मेथी, राई और ये कलौंजी, सौंफ, ये सब डाल के इसका बघार वो मसाला जो है प्याज अदरक और हरी मिर्ची का ये मसाला इसमें चला गया। तो अच्छे से भून लेते हैं। तो ये मसाला हो गया है अच्छे से। और तो मैं ये अपने पम्पकिन और आलू डाल देती हूँ। नहीं रखना ही रहूँ, इसको डाल दें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे सब्जी को। तो ये सोयाबीन है और देखिए ये फूल के एकदम उबल के एकदम सॉफ्ट हो गई है, सारी सॉफ्ट हो गई एकदम, आपको लगे एकदम गोश्त की तरह रहती है ये। अभी ये फ्राई हो जाएगा तो मैं इसको डालूँगी। इसमें डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते, बस ये सब नहीं जाते और सारे मसाले ना। इसमें जाएगा नमक, सब्जी अच्छे से फ्राई हुई है, इसमें ये सोयाबीन डाल दूंगी, न्यूट्रीला। अब इसको ऐसे पका के इसको मैं दम पे रख दूंगी। आलू भी गल जाएंगे, सब चीज़ गल जाएगा और मेरी सब्जी हो जाएगी। तो यार इसमें मैं एक चीज़ और डालूंगी, अभी मैं लास्ट में डालूंगी इसे। तो जी, अभी हम लोग गए थे, कल गए थे आगे दीमा को लेने ना, तो वहाँ से हम लोग ये फ्रूट लेकर आए थे। ये मौसमी मिल गई थी मेरे को 100 रुपये में एक दर्जन, और ये पपाया 50 किलो मिल गए माशाल्लाह से, और 100 रुपये किलो सेब मिल गए। तो जी, देखते हैं सब्जी की क्या हाल है। देखिए, पानी अपने से ही पम्पकिन ने छोड़ा है और ये देखिए आलू भी गल गया माशाल्लाह से, मतलब अच्छे से आलू भी गल गया। मैं इसको अच्छे से भूनूंगी पानी को, एकदम पानी एक बूंद भी मैंने डाला नहीं था और अच्छे से पानी इसमें आ गया है। इसको अच्छे से भून लेंगे। तो इसमें अब जाएगी ये जी इमली का टेस्ट, ये इससे ही टेस्ट आएगा अच्छे से लेकर के। इमली को भी डाल सकते हैं मगर मुझे इमली अच्छी लगती है, सब्जी में ना इमली अच्छी लगती है। माशाल्लाह से एकदम सब्जी बन गई है। इसमें मैं डालती हूँ हरी धनिया और अपनी सब्जी हो गई है डन। उसके बाद मैं बनाऊँगी पूड़ी। तो जी, मैं ये पूड़ी के लिए आटा लगा लेती हूँ। इसमें डालूँगी मैं तेल। सूजी से ये आटा है चक्की का, जिससे ना रोटी बनाते हैं ना वो, और ये सूजी और नमक, इसको मैं मिला के अच्छे से पूड़ी के लिए आटा सान लेती हूँ। तो जी, मेरे आटा ये देखिए लगा लिए, अच्छे से कड़क आटा है। इसको मैं ऐसे रेस्ट के लिए रख दूँगी, तो मैं इसकी पूड़ी बनाऊँगी। तो जी, ये मेरा पूड़ी का तेल गर्म हो गया, ये मैं इसमें डालूँगी ये पूड़ी और ये होगी इसमें फ्राई। पीछे गाने बज रहे हैं ना, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, गाने बज रहे हैं। तो जी, ये मेरी फुली फुली सी पूरी तैयार हो गई है, अब मैं प्लेटिंग करूँगी।
तो जी मेरा ये पूरी और सब्जी रेडी है माशाल्लाह से। ये देखिए आलू कोड़े की सब्जी, आलू और पम्पकिन की सब्जी और ये पूरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।